करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हम केक की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम प्लेन केक बनाएंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स ये है कि हमने 3 कप जो है वो मैदा लिया है, 3 कप हमने पाउडर फॉर्म में शुगर ली है। आप इसको साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसके दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप चीनी का पाउडर इस्तेमाल करें या आइसिंग शुगर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमने 4 अंडे लिए हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चंद कतरे वनीला एसन, ये आपकी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज कर लें, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। और 3 कप जो है वो हम घी इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम देखते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैदा है इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर जो है वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा बेकिंग पाउडर है मिक्स हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलिए अब व्यूअर्स एक जग लेंगे। जग के अंदर मैंने चीनी जो है वो पाउडर की थी, इस तरह ही मैं इसको इस्तेमाल करूंगी और हम 3 जो है काउंट करके वो घी जग में शामिल करते जाएंगे। 3 कप, 1, ये अब हमारा 3रा कप जो है घी का वो भी शामिल कर लिया। अब हम इसके अंदर अपनी पाउडर फॉर्म वाली चीनी जो है वो ऐड करेंगे। इसको अब हमने ढक्कन लगाकर बंद, और आपने इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक ये घी चीनी अच्छे से मिक्स होकर फ्लफी ना बन जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया और ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके एग शामिल करेंगे। यह बात आपने याद रखनी है कि आपने एक एक करके ही अंडा इसके अंदर डालना है, इकट्ठे नहीं डालने। अब मैं इसको जरा अच्छे से मिक्स कर रही हूं। अब ये हम दूसरा अंडा भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब मैं ये तीसरा अंडा भी इसके अंदर शामिल कर रही हूं। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दूध बताना भूल गई थी, 1 कप हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर दूध को जो है वो डाल रही हूं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके डालें या एक ही दफा डाल लें, मैं 2 हिस्सों में डालूंगी। और ये जग का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, तो आप इजीली जो है वो जग में बना सकते हैं। अब बाकी का भी दूध हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चंद कतरे जो है वो वनीला एसन के लेंगे। ये देखें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं, और इसके साथ ही जो हमारा आखिरी अंडा बचा था चौथा, वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है, आपने भी इसको अच्छे से बीट करना है। जितना ये बीट अच्छा होगा उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, या आप देख लें इसके ऊपर बिल्कुल झाग सी आई हुई है और बहुत ही सॉफ्ट जो हमारा मिक्सचर है। अब मैं इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, मैदे को इस बीटर के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन हमने एकदम मैदे को इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको शामिल करते जाएंगे और अच्छे से जो है इसको मिक्स करते जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से जग लूंगी, इसके अंदर हाफ जो मिक्सर है वो मैं पहले ऐड करके साथ थोड़ा थोड़ा जो मैदा है 2-2 चम्मच करके हम ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं।
ये देखें इतना सा हमने इसको ले लिया है। अब मैं इसके अंदर मैदा जो है वो दो दो चम्मच करके शामिल करती जाऊंगी और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इसी तरीके से अब मैं अपना सारा मिक्सर रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है और मैंने ये सांचा ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर। अब हम इसके अंदर जो है पेपर रखेंगे। ये देखें हमने जो पेपर है इसके अंदर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट ही जो मिक्सर है केक का वो इसके अंदर डालूंगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें अपने आप ये फिसलता हुआ बहुत खूबसूरती से बाहर आ रहा है। ये देखें बिकॉज हमने इसको डाल लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको टैप करना है। टैपिंग हम इसलिए करते हैं जो इसके एयर बबल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं और ये अच्छे से अपनी पोजीशन ले लें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर हल्के से तिल ऐड किए हैं और अब मैं थोड़ा सा कोकोनट और बादाम और जो पिस्ता है हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज इसको डालने की जरूरत नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो बर्तन है वो प्री हीट हो चुका है। आज मैं आपको विदाउट नमक जो है केक बेक करके भी दिखाऊंगी। यूजली क्या होता है, जितने भी हमारे जो शेफ्स हैं वो आपको नमक डालकर बेक करना सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको विदाउट नमक बेक करके दिखाऊंगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको साइड पे करेंगे। अब मैं कुकर के अंदर जो है वो जाली रखूंगी। इस तरह अपने जाली रख लेनी है और जो केक का सांचा है उसको इस तरह रख कर ऊपर से आपने ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देना है बेक रख कर। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको बंद करके वेट लगा के रख दिया है। अब हम इसको 30 मिनट तक पकाएंगे। ये जो कुकर है वो हमारे तंदूर का काम करेगा। चलिए 30 मिनट बाद इसको खोलकर देखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरी प्लेट के अंदर इसको निकालेंगे। वैसे ये देख लें आपके ये बात आसानी निकल रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया था। अभी ये बहुत गर्म है। अब हम आराम से इसका जो पेपर है वो रिमूव कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा ठंडा होने पर सर्विंग ट्रे में इसको सर्व करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने अपने केक को जो है वो डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको साथ साथ कट्स लगाते जाऊंगी, जैसे हम ब्रेड के स्लाइस कट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो फुली हॉट है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखा रही हूं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो केक है ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें जी, हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं दोनों तरफ से आपको प्रेस करके दिखा रही हूं। ये मैं थोड़ा सा इसको अब हम टेस्ट करने लगे हैं। ये व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं जो इसके ऊपर हमने नट्स, कोकोनट और जो हमारे बादाम थे, तिल थे, हमने ऐड किया, उससे जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही रिच हो गया और ये बहुत ही यमी और मजेदार हो गया। इसके साथ आप ये देख सकते हैं हमारा जो केक का स्पंज है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाजमी शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।